दिख रही हैं, लेकिन अब इसमें कमी क्या है मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको यही, इसमें ये आपने वायरिंग डायग्राम बनाया। वायरिंग डायग्राम का मतलब होता है कि जब इंसान देखे तो उसे वोल्टेजेस पता होने चाहिए, ठीक है। फेज फेज 220 वोल्ट भी होता है, ठीक है। कुछ चीजें जो है 15 वोल्ट पे भी ऑपरेट हो रही होती है, कुछ चीजें जो है दो मतलब 18 वोल्ट, 24 वोल्ट, कई वोल्ट पे ऑपरेट हो रही होती है। अब पता ही नहीं चल रहा, अगर ये इस इंफॉर्मेशन पे आपने इंफॉर्मेशन डाली होती कि यहाँ पे टाइमर का जो है इतने वोल्टेज से जो है टाइमर ऑपरेट हो रहा है, इतने वोल्टेज से जो है ये दोनों टाइमर ऑपरेट हो रहे हैं, मोटर पे जो फेज आ रहा है ये इतने वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे ये चेक करनी, तो ये डायग्राम एक कंप्लीट डायग्राम होता, एक बार में क्लियर होता कि इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, और देख के ही आदमी समझ जाता कि ये वायरिंग देख लो तो आप 1 मिनट में जो है आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे कितने वोल्टेज हैं, और आपको दोबारा ना सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझिए। तो जब भी प्रोजेक्ट बनाइए उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी जो है इंप्रूव करिए कि इसमें यहाँ पे ये वोल्टेजेस हैं, जिससे देख के ही आदमी ना पूरी वायरिंग समझ लें। नीट एंड क्लीन प्रोजेक्ट है, साफ सुथरा है, लेकिन सफाई रखने के चक्कर में ये इंफॉर्मेशन डालना भूल गए, तो केवल ये लाइनें लाइनें दिख रही हैं, लेकिन किस लाइन पे कितने वोल्टेजेस जा रहे हैं, क्या उस पे आउटपुट आ रहा है ये नहीं पता चल रहा है, समझिए। तो अगली बार छोटे हैं, इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं आपने गैदर करी है, लाल पीला हरा नीला कोई भी जो है स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, तो प्रोजेक्ट सफाई के हिसाब से ठीक है लेकिन इंफॉर्मेशन के हिसाब से नहीं ठीक है। को एक बार देख के कोई भी आदमी काफी हद तक चीजें समझ जाएगा, क्यों देखो जो आपने कहीं कुछ नहीं मेंशन किया, यहाँ पे मेंशन किया गया PSR, ये रिले, चार्जिंग लाइन, कंप्रेशन इनलेट, फ्लो, कौन सी सेगमेंट पे, ब्लू पे क्या है, स्काई ब्लू में क्या है, ऑरेंज पे क्या है, ब्राउन पे क्या चीज इन्होंने दिखाई हुई है, सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने पूरी तरीके से कवर करी हुई है, करेक्ट है। यस सर, आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है आपका, थोड़ा सा ये बेहतर कर सकते थे अगर इन्होंने अपने ये जो पार्ट्स लगाए हुए हैं या तो इनकी कहीं से प्रिंटेड कटिंग लेते, या थोड़ा सा इन्हें और अच्छा तरीके से ना, जैसे जो इन्होंने कलर यूज किया हुआ है पेंसिल कलर या क्रेयॉन कलर्स, इसे थोड़े और अच्छे कलर्स में कर लेते तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होता। इसमें हर इंफॉर्मेशन ना टेम्परेचर वाइज बहुत ब्रीफ बताई गई है, आपको देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे 125 डिग्री फॉरेनहाइट है, मतलब यहाँ से आप देखिए टेम्परेचर कितना रेज था, 278, फिर 125 करते करते जो है डाउन होते होते यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। 60 डिग्री फॉरेनहाइट यहाँ पे होता है, ये एक बार इनकी रीडिंग्स देखिएगा कि करेक्ट है, कहाँ है रहमान, इन रीडिंग्स में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, ठीक है रहमान, इन रीडिंग्स को देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, जैसे यहाँ पे इन्होंने हमारे को ये 278 क्या दिखाया, 125 डिग्री फॉरेनहाइट दिखाया हुआ है, जी यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर इन्होंने सेम रखा हुआ है, जी प्रेशर 278 से 278 तक सेम रखा हुआ है, तो फिर कंडेंसर का यहाँ पे वर्क क्या हो रहा है, या तो यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर जो है डाउन होना चाहिए था, पर डाउन होते होते यहाँ पे जो है आना चाहिए डाउन हो राइट। तो मेरे को आपने सही बनाया है, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला ना आपने जो रीडिंग्स लिखी है ये कहीं डाउटफुल है, ठीक है, और अच्छा बनाया, सोच ठीक थी लेकिन इसे इम्प्रूव किया जा सकता है वगैरह कहीं नहीं दिखाई, कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, बाकी प्रोडक्ट आपका ठीक है, एवरेज है, बस ये रेड ब्लू ग्रीन लाइंस किस किस चीजों की है ये आपको इसमें ना अपडेट होनी चाहिए, मतलब साइड बाई वो क्रॉस फ्री का, दो कूलिंग कॉइल के साथ में ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट अच्छा है, चीजें सही तरीके से बताई गई है, बशर्ते आपने जो ये नाम लिखे हुए हैं इनका फॉन्ट बड़ा होना चाहिए कि अगर दूर से आदमी देख रहा है तो उसे समझ आना चाहिए, कुछ चीजें और अच्छे से ब्रीफ करी जा सकती थी इसमें,
ठीक है, जो हम सोचेंगे कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ना आप जो उसको दिखाएं, जो कलर कलर जितने भी कलर जो आपने दिखाए हुए हैं इसमें, रेड ग्रीन ब्लू वगैरह, इनको जो है आप कहीं पे स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा कलर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, कौन सा हाई प्रेशर को कर रहा है, कौन सा लो टेम्परेचर को कर रहा है, जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सेंटर पे भी दिखाया जा सकता था कहीं जहाँ पे आपको स्पेस है, तो इसको जो है ऐड करिए नेक्स्ट। कंप्रेशन कूल नहीं दिखाया जाता कभी, ठीक है। कंप्रेशन हमेशा जो है चौकोर या किसी फॉर्म में दिखाया जाता है, सर्कल फॉर्म में गोल कंप्रेशन जनरली नहीं दिखाया जाता है। कंडेंसर कभी बॉक्स में नहीं दिखाया जाता है, कंडेंसर हमेशा जो है वो एक कॉइल के फॉर्म में होता है, इवेपोरेटर एक कॉइल के फॉर्म में होता है। एक्सपेंशन वॉल कंप्रेशर को लगभग लगभग सेम साइज में नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि दोनों के साइज में बहुत डिफरेंस होता है। आदमी को पता ही नहीं चल रहा है कौन सा जो है कंप्रेशर है, कौन सा एक्सपेंशन वॉल है, ठीक है। दोनों को आपने सेम कलर में डाल दिया, क्या दोनों में जो है टेम्परेचर दोनों का सेम रहता है? नहीं रहता है। कैसे पता चल रहा है कि दोनों का टेम्परेचर सेम है? कलर कोडिंग आपने जो करी है कहीं आपने एक्सप्लेन नहीं करी हुई है। सफाई ठीक है, क्लीनिंग ठीक है, लेकिन जो आपने विजिबिलिटी दिखाई है पार्ट्स की वो गलत है। तो विजिबिलिटी के लिए पार्ट्स का जो काम है, कंडेंसर का काम है कंडेंसेशन करना, तो उसमें जो टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होता है कॉइलों से घूमते हुए, इसलिए वो दिखाई जाती है कि ये कॉइलों से घूमते हुए आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी थी, और जो भी आप बना रहे हो, जो भी चीजें बना रहे हो, इसमें आपको थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है।